वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लोगों अगे मेरी कोई बेनती नहीं, क्योंकि जेडे साडे लोग लाई लग गए ते मैं लाई लगा के एक वोटी सट के ते इन्हां नूं लाई लग आपदे पिछे ही लाउणा चाहुंदा। सो मेरी गल थोड़ा बहुत ध्यान दिया जे जे कोई लाई लग ना होया। अपने पंजाब दे विच बालियां नहीं ते 20-25 पार्टियां बनियां फिरदियां, कोई हाथी वाली बनी फिरदा। सब तो पहला एक दाती छिट्टे वाली कांग्रेस पार्टी है, अकाली दल, ते होर एक ट्रैक्टर पार्टी हैगी जिहड़ी प्रेम सफरी दे नाम ते, एक लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनशक्ति पार्टी, भारतीय डेमोक्रेटिक पार्टी, बड़िया इस तरीके दियां लोक एकता, लोक पता नहीं जिहड़ी बहस होरां दी है, पंजाब एकता। पर कित्थे है पंजाब दे विच एकता? लीडरां विच एकता है नहीं, पंजाब दे विचों एकता कित्थे आऊगी? मैं पुछना चाहुंदा कि जिन्ने पंजाब दे लीडर नहीं, सारी आल इंडिया दे लीडर एक दूजे दे खिलाफ लड़ी जांदे है, ते सानू ये गल कहिंदे है कि कहिंदे एका करो, ते बड़ी शर्मिंदगी वाली गल है। बोलो अज गल करिए ता पार्टियां आपस में लड़ी जांदियां, विचों विच एक इको एक है, ते दूजियां नूं कही जांदियां सी लगो लग, कहिंदे आपां सारे भाई भाई, ते लाई लग तां साडे लोक है जेड़े लगी जाती है। अज कोई भी मैं एक मैं आम पार्टी अगर गल करना चाहूँगा कि जेकर आम पार्टी जिड़िया तिने पार्टियां जे चारे पार्टियां अगे चल रही, पंजाब एकता, झाड़ू वाली, अकाली दल, कांग्रेस, पार्टियां दे मैं किसी दे मैं विरुद्ध गल नहीं करी, मैं एक साफ ते सुथरी गल करी जाना कि ना तो रख रहे हैं पंजाब एकता, पर जे पंजाब दे विच एकता तुहाडी है नहीं, तुसी सानू किवें दसोंगे कि जेड़े घर दे बजुर्ग हुंदे आ सब तो वड्डे ओह आपस में लड़दे होण, ते बच्चों कहण बच्चों लड़ना नहीं चाहीदा? ये तो शर्मिंदगी वाली गल है। दसो सानू किहड़ी पंजाब दे विच एकता? जे लीडर सारे सही है तो फिर एक दूजे नाल क्यों लड़ी जाते हैं? क्योंकि ये साडे पिछे नहीं लड़ी जाते, नौजवानों पिछे नहीं लड़ी जाते, लड़ी किन्ना पिछे जाते है कुर्सियां पिछे। कुर्सियां का तो क्योंकि दो नंबर दे पंजाब दे विच तंदे है, ते ए उन्हां नूं कपला बाजी चलो जी चक्की चलो पैसा। साडे पंजाब दे विच इक गल है, इंडिया दे विच ही ला लो कि जिहड़ा पिंड दा मुखिया सरपंच बन जे उहदियां दो पीढ़ियां बह के खा लैंदियां। दसो इन्ना पैसा कित्थों आउंदा? एक राजनीति दे होण दे कारण, ते जिहड़ियां बाहरलियां कंट्रियां तां वी रक्षे ते घूमदे आ, सैकलां ते घूमदे उहनां दे मंत्री, साडे मंत्रियां मगर पांच गड्डियां हुंदियां, उहनां दा तेल साडे ते पैंदा। दुख तां इस गल दा हुंदा। मैं वेखो जी, मैं लीडरां नूं इक्को गल कहनी चाहूंगा, तुसीं बड़े सियासती बंदे आ, लाई लग तां दुनिया जिहड़ी लगी जांदी है, ते चलो कहिंदे हुंदे जिहड़ा लाई लग उहदा फायदा वी चुकना चाहीदा, लोकां दा फायदा चुको, इह फायदा चुकण वास्ते बने आ, क्योंकि जे लोक स्याणे होण ना मगर लगना। पर मैं एक गल लीडरां नूं पुछना चाहुंदा कि पंजाब दे विच दसो एकता कित्थे हो रही है? कौन साडे पिछे लड़ी जांदा? कौन नौजवानां पिछे लड़ी जांदा? सब आपदियां कुर्सियां पिछे लड़ी जांदे आ, कहिंदे साडी सत्ता होनी चाहीदी है, साडे MP होने चाहीदे आ, साडे प्रधानमंत्री होने चाहीदे आ, ते कदे लोकां दी गल होई आ? आए 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੋ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਾਈ 25 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕੌਣ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ? ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਥੋਂ ਚੋਰੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਥੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹੈ ਔਰ ਨੌਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ।
ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲਾਈ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਿਆ ਸਮਝ ਲੈ ਕਰੂੜੀ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੜੀ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖੜਾਇਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੜੀ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਏਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।